एक बार आपका क्लियर हो जाए। पहली मंजिल में रहता है आपका एक्टिव यानी प्रेजेंट। सेकंड, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, 9th तक क्लियर कर देता हूँ कि आगे तो पढ़ना ही है हमको। ये 12 रूम है, एक मंजिल है जिसमें 12 रूम है। इसकी पहली जो मंजिल है, फर्स्ट जो फ्लोर है, उसमें रहता है प्रेजेंट। इसकी पहली मंजिल में रहता है प्रेजेंट, इसकी दूसरी मंजिल पे रहता है पास्ट। ये चार्ट आपके समझ में आ गया ना, तो पैसिव और इनडायरेक्ट और जिंदगी का सारा खेल आसान। और ये तो आएगा ही समझ में। ये थर्ड मंजिल पे रहता है फ्यूचर, जिसकी कहानी आज चालू होगी। यहाँ तक की कहानी को शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट नंबर रूम, ये सेकेंड नंबर रूम, ये थर्ड नंबर रूम, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। यही तक करना, आगे जाना नहीं। आज इसका भी नहीं करना, यही तक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या रहता है? फर्स्ट नंबर का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि इसकी एक्टिव वॉइस है, यदि कर्ता से वाक्य शुरू करोगे तो V1 और V5 को यूज करोगे, और यदि इसकी पैसिव ले रहे हो तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कर्ता से यदि आपने वाक्य शुरू किया तो V1 और V5 आया, और यदि अपने आरा कर्ता नहीं है तो वहां पर इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे भी और बात कर लेते हैं। सेकेंड का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि इसकी एक्टिव लेते हैं तो इज, एम, आर प्लस B4 आएगा, यानी ING फॉर्म आएगी। और यदि इसकी पैसिव लेते हैं, पैसिव का मतलब ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होते हैं, इज एम आर प्लस बी प्लस V3 आएगा। पैसिव की खास बात होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, चाहे मॉडल की हो, चाहे टेंस की हो, चाहे एक्टिव की हो, चाहे पैसिव की हो। और मैं आपको ग्रिप कराऊंगा थर्ड में कौन रहता है। मैं रफली एक बार इसका पूरा क्लियर कर देता हूँ। हैज, हैव प्लस V3। बोलता है भाई साहब पैसिव बताओ, पैसिव ले लो। हैज, हैव, बीन, ये बीन अच्छे से लिखना, बीन प्लस V3। फोर्थ कहता है भाई साहब पैसिव नहीं, अकेले रहते हैं अपन, अपने साथ कोई नहीं रहता है। कोई बात नहीं, लेकिन तेरी एक्टिव तो बता। हैज, हैव, बीन प्लस V4 प्लस टाइम। फिक्स टाइम होगा तो सिंस आ जाएगा, निश्चित टाइम होगा तो फोर आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये करना नहीं है। 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करना है। ये गए रूम नंबर ऊपर, यहाँ पास्ट रहता है पूरा। 5, 6, 7, 8 में पास्ट रहता है। पास्ट क्या कहता है? एक्टिव में आए हो क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। नहीं काम किया तो डिड नॉट बी वन आएगा। कल मैं गांव नहीं गया, डिड नॉट बी वन। गया था, आई वेंट। यदि आप सब्जेक्ट से वाक्य शुरू कर रहे हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट नहीं है, बोले मेरी बाइक चोरी हो गई कल, मेरी बाइक कल चोरी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, इसकी पैसिव में वाज वर प्लस V3 आएगा। माई बाइक वॉज स्टोलन, पैसिव है ये। पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। सिक्स्थ में आओ, भूतकाल में कोई भी काम रनिंग में था वो सिक्स्थ में लिखा जाएगा। कोई भी काम रनिंग में था, कल मैं बारिश में जा रहा था, वाज वन V4। पैसिव बनाओ, तो साहब उसकी पिटाई हो रही थी, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, किसके द्वारा? खाना बन रहा था हमारे घर पर, बारिश आ गई, वाज वर प्लस बीग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसकी पिटाई हो रही थी, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। सीधी सी बात है, सेवंथ में आ जाओ। भूतकाल में कल से पहले का काम, या दो काम होते इसमें, हेड प्लस V3 फिर V4 प्लस V2। भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो घटना पहले समाप्त हुई वो हेड प्लस V3 में, जो अधूरी रह गई बिफोर के साथ V2। आपके आने से पहले मैं आ चुका था, आई हैड कम हियर बिफोर यू केम। आप बाद में आए, मैं पहले आया। या दूसरा, कल से पहले कोई भी काम हुआ है तो हेड प्लस V3 में, और पैसिव में हुआ है तो हेड बीन प्लस V3 में। राखी, सॉरी, कोई भी हमारा पहले वाला जो कार्यक्रम है, ऐसा वैसे किया गया था, वैसे किया गया था, इलेक्शन को संपन्न करवाया गया था, प्रधानमंत्री को चुना गया था, किसके द्वारा पता नहीं। पैसिव है तो हैड बीन, एक्टिव है तो हैड बीन। 8th नंबर इसके ऊपर है, ये कहता भाई साहब अभी अकेले रहते हैं, हमारी कोई पैसिव नहीं होती है। हैड बीन प्लस टाइम, फिक्स होगा तो सिंस आ जाएगा, निश्चित होगा तो और आ जाएगा।